हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोई कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ है उससे हमें फार्मूला कैसे बनाना है। ठीक है, कोई कंपाउंड्स का नाम दिया है उससे फार्मूला कैसे बनाना है हमें। तो देखो पहले क्या करेंगे, कोई सिंपल नाम पहले हम ले लेते हैं। जैसे मान लो है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसके बाद कि जो भी इस कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट हैं उसको नीचे लिख लेंगे। तो इसमें क्या है, एक तो है कैल्शियम आयन, ठीक है, जो केटायन है, और दूसरा है ऑक्साइड आयन जो है एनायन। तो दोनों आयंस को पहले हम नीचे लिख देंगे सिंबल के साथ और वैलेंसी के साथ। तो ये हो जाएगा Ca+2 होगा, ठीक है, और ये ऑक्साइड आयन का होता है वो -2। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा आयन सारा, ठीक है। अब देखो यहां से तो इजी हो जाएगा क्योंकि हम लोग फार्मूला मेकिंग में पढ़ चुके हैं कि कैसे बनाएंगे। तो ये है, इसके नीचे दोनों नंबर्स को लिख दोगे आप, 2 वैलेंसी रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर Ca ब्रेकेट कर देंगे, ऑक्सीजन लिख के ब्रेकेट कर देंगे, फिर वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे और वैलेंसी दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा। ये है Ca2 और O2। हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेकेट को कब रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा CaO। ये सिंप्लीफाई फार्मूला हो जाएगा, ये हो गया। अगला देखो हम लोग कैसे करेंगे, दूसरा नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो यहां पे क्या है, एक तो है एल्यूमिनियम आयन और दूसरा कौन सा है, ऑक्साइड आयन। तो एल्यूमिनियम आयन होता क्या है, Al+3 को क्या बोलेंगे, Al+3 को एल्यूमिनियम आयन, ऑक्सीजन पे -2 ऑक्साइड आयन। फिर क्या करेंगे, यहां पे इसको वैलेंसी रिप्रेजेंट कर देंगे, इसके नीचे 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। Al लिख के ब्रेकेट करेंगे, O लिख के ब्रेकेट कर देंगे, ठीक है, फिर वैलेंसी को इंटरचेंज हम लोग कर देंगे, वैलेंसी इंटरचेंज हो गया, Al2O3 हो जाएगा, फिर ब्रेकेट को रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा Al, एक मिनट, इसको यहां पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ा स्लाइड करके, ये हो जाएगा Al2 और O3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब आगे देखो हम लोग कुछ और फार्मूले देखते हैं, 8-10 एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कोई नाम से कोई कंपाउंड्स बनाते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम आयन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन होगा, दोनों आयन को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, सोडियम आयन Na+, हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन, फिर वैलेंसी को नीचे रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 1, फिर सिंबल लिख देंगे इसके नीचे Na और OH, दोनों को ब्रेकेट कर देंगे और वैलेंसी को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगा, Na ब्रेकेट में 1 और OH ब्रेकेट में 1, ब्रेकेट को रिमूव कर देंगे, सिंपल फार्मूला हो जाएगा Na OH, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे कैल्शियम आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों आयन को नीचे हम लोग लिख देंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा Ca+2 और OH- आयन हो जाएगा, फिर नंबर वैलेंसी को यहां नीचे इसके रिप्रेजेंट करेंगे 1 1, फिर सिंबल लिख देंगे Ca ब्रेकेट कर देंगे OH ब्रेकेट करेंगे, वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे हम लोग, ये हो गया इंटरचेंज,
अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा CA1 और OH ब्रैकेट के बाहर 2 हो जाएगा। देखो ब्रैकेट कौन सा हटाएंगे, जहां ब्रैकेट के अंदर सिंगल टाइप के एटम होंगे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, जहां सिंगल टाइप के नहीं होंगे ब्रैकेट को रहने देंगे। तो ये सिंपल ही सिंपलीफाई फार्मूला हो जाएगा, CA ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ये हो गया फार्मूला। अगला फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक ही टाइप का फार्मूला है, उसके पास हम कोई दूसरा टाइप स्टार्ट करेंगे तो इजी रहेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो यहां पे एल्यूमिनियम आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन, Al प्लस 3 और OH माइनस आयन। फिर यहां पे इसके नीचे वैलेंसी लिखेंगे 1 और 3 और 1, फिर सिंबल लिख देंगे Al ब्रैकेट करेंगे OH, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट कर लेंगे, वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे अपोजिट, तो ये हो जाएगा Al ब्रैकेट के बाहर 1, OH ब्रैकेट के बाहर 3 हो जाएगा 3। फिर सिंपलीफाई करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा Al OH का होल थ्राइस, ओके ये हो गया फार्मूला। कोई अब हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं, इसमें जैसे नाम है इसका, मान लो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यहां पे दो आयन कौन कौन से हैं, एक तो पोटेशियम आयन है और दूसरा कौन सा नाइट्रेट आयन। तो पोटेशियम आयन क्या होता है, के प्लस होता है, नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3 माइनस आयन होता है। फिर वैलेंसी को नीचे यहां रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को और फिर सिंबल लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे दोनों को, फिर क्या करेंगे वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे, दोनों के वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे हम लोग। वैलेंसी इंटरचेंज करने के बाद से क्या होगा, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा के ब्रैकेट में 1 या NO3 ब्रैकेट के बाहर 1। अब देखो अगर सेम नंबर है बताए थे आप लोगों को तो ब्रैकेट भी हटेगा और नंबर भी हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा के NO3, फार्मूला हो जाएगा के NO3, नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरीके से देख लो, अगर मान लो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का फार्मूला बनाना होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट तो यहां पे दोनों आयन लिखो पहले, सबसे पहले और वही स्टेप होता है, तो ये हो जाएगा Mg प्लस 2 और NO3 माइनस 1, वैलेंसी को रिप्रेजेंट करो इसके नीचे 2 और 1, फिर सिंबल लिख दो Mg ब्रैकेट करो NO3 ब्रैकेट कर दो इसको, वैलेंसी को फिर इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा Mg 1 और NO3 2, ठीक है। ब्रैकेट को हटा देंगे Mg वाले को, क्यों, क्योंकि Mg के अंदर एक ही एटम है या फिर एक ही टाइप की एटम है, या नाइट्रेट वाले ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो टाइप के एटम है, तो इसको रहने देंगे, तो ये हो जाएगा Mg 3 का होल ट्वाइस, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट का, ओके। अब अगला देख लो, जैसे है मान लो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट ओके एक मिनट, ठीक है। देखो कैल्शियम फास्फेट का सल्फेट का हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे पहले दोनों आयन्स लिख ले रहे हैं,
आयंस आपको यहाँ पे कंपलसरी याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले से कोई क्या करना है, नाम से कोई फार्मूला बनाना है या फिर फार्मूले से कोई आपको कंपाउंड बनाना है, तो ये आपको याद होने चाहिए। एग्जैक्ट एकदम आयंस याद होने चाहिए, वैलेंसी क्या होती है वो याद होनी चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे। तो ये हो गया कैल्शियम आयन, हम वो लिखेंगे इसके नीचे, और सल्फेट आयन। कैल्शियम आयन क्या होता है? Ca+2, और सल्फेट आयन क्या होता है? SO4-2। फिर इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया। फिर सिंबल लिखेंगे और इसको ब्रेकेट कर देंगे। सिंबल लिखेंगे सल्फेट का और फिर ब्रेकेट करेंगे, वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे। ये हो गया Ca2 और SO4-2। देखो तो ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या है, दोनों नंबर सेम है तो नंबर भी रिमूव कर देंगे और ब्रेकेट भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया CaSO4, CaSO4 हो गया। अब अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का। अगला है नाम हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का। देखो तो यहां क्या करेंगे, दोनों आयन लिखेंगे पहले, एल्यूमिनियम आयन Al+3 और सल्फेट आयन SO4-2। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा Al की वैलेंसी 3 और यहां पे हो जाएगा सल्फेट की वैलेंसी 2। फिर सिंबल लिखेंगे, ब्रेकेट कर देंगे, सिंबल लिखेंगे फिर ब्रेकेट करेंगे, वैलेंसी इंटरचेंज कर दिए, हो गया ये। तो ये है Al2 और ये है SO4 ब्रेकेट के बाहर 3। कौन सा ब्रेकेट हटाएंगे? एल्यूमिनियम वाला रिमूव कर देंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर क्या है, केवल सिंगल टाइप के एटम है। तो ये हो जाएगा Al2 SO4 का होल थ्राइस। ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। अगला देखो, अगला जैसे है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट। अगला है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो यहां पे दोनों आयन लिखो पहले, अमोनियम और नाइट्रेट आयन। तो अमोनियम आयन क्या होता है? NH4+1, और नाइट्रेट आयन क्या होता है? NO3+1। फिर दोनों वैलेंसी यहां लिख देंगे, 1 और 1 हो जाएगा। ओके, फिर सिंबल लिखेंगे और ब्रेकेट कर देंगे, यहां पे सिंबल लिखेंगे और ब्रेकेट कर देंगे दोनों को ही। ओके, अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप हो जाएगा वैलेंसी इंटरचेंज का। तो वैलेंसी दोनों का क्या होगा? 1-1 है। अब देखो दोनों अगर नंबर सेम है तो नंबर भी रिमूव कर देंगे और ब्रेकेट भी रिमूव कर देंगे, नंबर भी रिमूव करेंगे और ब्रेकेट भी रिमूव करेंगे। तो ये हो जाएगा NH4, NO3। ये क्या है? अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? अमोनियम नाइट्रेट का। अगला देखो, जैसे हाइड्रोजन फास्फेट का मान लो हमारे पास दिया हुआ है कि फॉर्मूला बनाना है, हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन फास्फेट। हाइड्रोजन फास्फेट का तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H+ होता है। फास्फेट आयन क्या होता है? PO4-3 होता है। फिर वैलेंसी को यहां पे रिप्रेजेंट करो और फिर सिंबल लिख दो, ब्रेकेट करो, PO4 सिंबल लिख के ब्रेकेट करो, वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे से। तो ये हो जाएगा H ब्रेकेट के बाहर 3 और PO4 ब्रेकेट के बाहर 1। तो ये अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? H3PO4 हो जाएगा। ये हो गया H3PO4। अगला है हमारे पास कोई जैसे मान लो हमारे पास है
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो दोनों आयन लिखेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम आयन Mg प्लस टू होगा और कार्बोनेट आयन CO3 माइनस टू होगा। मैग्नीशियम आयन क्या, इसके नीचे वैलेंसी रिप्रेजेंट करेंगे और यहां भी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सिंबल लिख देंगे इसके नीचे, ब्रेकेट कर देंगे CO3 और ब्रेकेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे दोनों के। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा Mg टू और CO3 टू हो जाएगा। देखो यहां पे नंबर क्या है, दोनों सेम है तो नंबर क्या करेंगे, हटा देंगे और ब्रेकेट को भी रिमूव कर देंगे। ये हो जाएगा Mg CO3 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट का। एक दो और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो सिमिलर फॉर्मूला एक आपको दिखा दे रहे हैं, है हमारे पास अमोनियम अमोनियम सल्फेट का है हमारे पास एक फॉर्मूला जो आपको बनाना है। ये है नाम और इससे आपको कोई फॉर्मूला बनाना है। अमोनियम आयन NH4 प्लस और सल्फेट आयन SO4 माइनस टू। अब देखो वैलेंसी रिप्रेजेंट करेंगे इसके नीचे, फिर सिंबल लिख देंगे NH4 ब्रेकेट करेंगे SO4 लिख के ब्रेकेट कर देंगे। वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे, ये हो गया NH4 ब्रेकेट के बाहर 2 आ जाएगा और SO4 ब्रेकेट के बाहर 1 आएगा। फिर सिंपलीफाई करेंगे इस वाले ब्रेकेट को हटा देंगे सल्फेट वाले को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल सिंबल एक ही नंबर है। तो ये हो गया NH4 होल ट्वाइस और SO4, ये किसका फॉर्मूला हो गया, अमोनियम सल्फेट का ये हो गया फॉर्मूला। ओके एक मिनट, एक और फॉर्मूला हम देख लेते हैं, एक दो जैसे सिंपल फॉर्मूला एक हम लोग करते हैं। मैक्सिमम तो हो गया कार्बोनेट हो गया सल्फेट हो गया फास्फेट हो गया हाइड्रोक्साइड आयन हो गया ऑक्साइड आयन हो गया। मान लो आपको दे दिया जाए कैल्शियम नाइट्राइड, ये है कैल्शियम नाइट्राइड, ये है कैल्शियम नाइट्राइड। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम क्या होता है, Ca प्लस टू होगा और नाइट्राइड क्या होगा N पे माइनस थ्री होगा। फिर इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिखेंगे टू और थ्री। फिर इसके नीचे क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे Ca ब्रेकेट कर देंगे, नाइट्रोजन लिख के ब्रेकेट कर देंगे। उसके बाद वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे, Ca थ्री हो जाएगा और N टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ ब्रेकेट के बाहर बाहर क्या है, डिफरेंट नंबर है और ब्रेकेट के अंदर क्या है, और सिंगल टाइप के एटम है, तो ब्रेकेट को हटा देंगे लेकिन नंबर को नहीं हटाएंगे। ये हो गया Ca थ्री और N टू, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड का। देखो अगला लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ये हो जाएगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम आयन Mg प्लस टू और ऑक्साइड आयन O माइनस टू, ठीक है। तो ये हो गया, इसके नीचे क्या करेंगे, वैलेंसी रिप्रेजेंट करेंगे दोनों का, फिर सिंबल लिख के ब्रेकेट करेंगे हम।
O लिख के ब्रेकेट करेंगे, फिर वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो गया Mg 2 और O 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों क्या है, सिमिलर नंबर हैं, तो नंबर भी हटा देंगे और ब्रेकेट को भी रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, नंबर भी हटा देंगे और ब्रेकेट को भी रिमूव कर देंगे, ये हो जाएगा MgO। तो आप लोग समझ गए होगे कि आयस दिया हुआ तो फार्मूला कैसे बनाना है, कोई कंपाउंड का नाम दिया हुआ तो फार्मूला कैसे बनाना है। ओके ओके।